मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सीए के खिलाफ संविधान बचाओ न्याय शांति यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस शांति मार्च में शामिल हुए और केंद्र सरकार के इस कानून का विरोध किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा जनता का ध्यान मोड़ने की राजनीति करती है। आज हमने जो शांति मार्च किया है वह सिर्फ भोपाल और प्रदेश के लिए नहीं, यह देश के लिए है। ऐसा कोई कानून मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा। कांग्रेस के संविधान बचाओ न्याय शांति यात्रा के मद्देनजर दो दिन पहले ही प्रशासन ने भोपाल से धारा 144 हटा दी थी। इसके बाद कांग्रेस ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ संविधान बचाओ न्याय शांति यात्रा निकाली। इसी यात्रा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। भोपाल के रंगमहल इलाके से मिंटो हॉल तक यह यात्रा निकाली गई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, हमने जो शांति मार्च किया है यह सिर्फ भोपाल और प्रदेश के लिए नहीं, यह देश के लिए है। आज हम देश के दिल से यह संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह केंद्र सरकार देश को तोड़ना चाह रही है। उन्होंने कहा कि प्रश्न ये नहीं है कि कानून में क्या लिखा है, प्रश्न ये है कि इसमें क्या नहीं लिखा, प्रश्न यह नहीं है कि इसका क्या उपयोग होगा, प्रश्न ये है कि इसका क्या दुरुपयोग होगा। हम सब क्या अनपढ़ है? क्या मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं हम अनपढ़ है? हम पढ़ना नहीं जानते? हमने पढ़ लिया। हम उनकी नियत समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रश्न नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या नहीं लिखा है, प्रश्न नहीं है कि इसका क्या उपयोग होगा, इसका क्या दुरुपयोग होगा। ये आज हमारे सामने प्रश्न है। और इस प्रकार का कानून लाना, इस प्रकार का कानून लाना, मैं तो सब पत्रकार साथियों से कहूंगा कि अगली दफा आप यहाँ बैठेंगे, मैं पूछूंगा कहाँ के नागरिक है, कोई सबूत है? आप सबूत लाइएगा, अपने पड़े बार बाप दादाओं का सबूत लाइएगा। तो ये जो आज इसकी सफाई देना चाह रहे हैं, ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आज जनता को गुमराह करने का ये पूरा प्रयास है। कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, इनके गृह राज्य मंत्री ने संसद में कहा है कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगा। जो कानून संविधान विरोधी, देश विरोधी, धर्म विरोधी हो, ऐसा कोई भी कानून मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा। एनआरसी और सीए का अंदरूनी लक्ष्य कुछ और है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि हमें देश की संविधान और संस्कृति की रक्षा करनी है। इस यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में सरकार के मंत्री और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ा है। इंदौर में भी शांति मार्च निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता शामिल हुए। संविधान बचाओ न्याय शांति यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेताओं का कहना था कि ये कांग्रेस के नेता सड़कों पर नहीं उतरे हैं, ये देश की जनता है जो लोकतंत्र और देश की एकता के लिए इस प्रदर्शन में शामिल हुई है। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस सरकार ने आज भोपाल में सद्भावना विरोध मार्च निकाला। आज हम बात करते हैं कुछ लोगों से, किस बात का विरोध है? नागरिकता को लेकर कानून जो बनाया गया है, निश्चित तौर पर ये आम जनता के साथ में विश्वासघात है। इस देश की आज़ादी में जिन महान सपूतों की बलिदान और त्याग के कारण हमको आज़ादी मिली, उन लोगों के द्वारा जो संविधान बनाया गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में रचना की, निश्चित तौर पर उसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी सदवा सामुदायिक लोगों के लिए सजावट करने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला नागरिकता संशोधन बिल नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। उसमें उनने हिंदू की बात की है, उनने ईसाई की बात की है, उनने अन्य लोगों की बात की है, मुस्लिम भाइयों की बात नहीं की। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? और निश्चित तौर पर आप ये मानिएगा कि जब वो ये कह रहे हैं कि हम सब लोगों को साथ रखना चाहते हैं, तो माला में विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं, विभिन्न प्रकार के रंग के जो फ्लावर हैं, निश्चित तौर पर सबको सजा के रखना पड़ेगा अगर देश को सबल और सक्षम बनाना है तो। और अगर आपको तोड़फोड़ करने का काम करना है जो शुरू से आपने किया है, तो एक अलग चीज़ है, उसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं आसपास, बंगाल में भी देखने को मिला, यूपी में भी देखने को लगा, इस संशोधन बिल के विरोध में, उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़ में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
अपनी वेशभूषा चेंज करके और जो उपद्रव किए हैं निश्चित तौर पर जब उनको पकड़ा पुलिस ने तो उजागर हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आग लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले ही उद्यम कर रहे हैं और वही विद्रोह कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुस्लिमों के बीच में दरार हो और उनको स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति हो। तो नेताजी का साफ कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने वाला कानून है जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।